चेक करो रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा ये ठीक है कितना मिलेगा सर 125 कब मिलेगा सीवियर डिसीज कब होगी सीवियर डिसीज नहीं है सीवियर डिसेबिलिटी कब होगी एट्टी hmm. परसेंट या उससे ज्यादा मेडिकल अथॉरिटी आज से टारगेट लेना है टोटल इनकम के क्वेश्चन का है ना तो चैप्टर आज शुरू करते हैं अपन एडवांस टैक्स टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एंड इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू तो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स एक्चुअली में इनका कहना है कि टैक्स कलेक्शन एट सोर्स जो प्रोविजन है उसको हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे उसको हम पढ़ाएंगे बेसिक बट है काफ़ी सारा दिया हुआ इसमें भी तो क्या पढ़ना है इस चैप्टर में हमको हम हाँ हम्म हम्म रेस्ट्रिक्टेड टू दैट अमाउंट है ना सर ये जो लॉन्ग टर्म सेक्शन वन वन टू सॉरी वन वन टू में आप चेक कीजिए ना सेल कंसरेशन उससे ऊपर जो है आपको कॉस्ट नहीं लेना है मैक्सिमम उतनी कॉस्ट लेना है हाँ आप सेक्शन वन वन टू पढ़िएगा अब समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा हूँ मैं आप वन वन टू थाउजेंड एटीन की कॉस्ट लेते हैं हाँ तो एक बार पढ़ना फिर मैं बता दू हाँ लेकिन परचेस उस समय हुआ होगा ना सर नहीं होगी ना होगी होगी ट्वेंटी ट्वेंटी है चलो तो देखते हैं इसको हाँ जी भाई एडवांस टैक्स, टी डी एस एंड टी सी एस तीन सेक्शन है और इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट से ज्यादा हमको थोड़ा सा याद भी करना है अब इसको थोड़ा सा देखिए पेजेस तो बहुत सारे हैं इसमें लेकिन इसमें इंटेलिजेंसी इस चैप्टर में कमांड कब आएगा मालूम है जब आप इसके समरी से इसके सेक्शन टी का सेक्शन किसको टी काटना है किसको टी कटवाना है किस रेट से काटना है और लिमिट इस चीज को अगर आपने रट लिया तो आपने समझ लो सत्तर परसेंट लड़ाई जीत ली क्या बोला समझ में आ रहा है सेवेंटी परसेंट प्रॉब्लम वहीं आती है स्टूडेंट्स इसमें अगेन नो नॉलेज विदाउट मेमोरी कॉन्सेप्ट चलता है जैसे सैलरी हेड में है ना तो अगर आपको वो टेबल याद हो गया ना तो 70 परसेंट कॉन्फिडेंस आ गया फिर आप सीधा क्वेश्चन शुरू कर दीजिए और क्वेश्चन से सीखिए आप हो जाएगा चैप्टर समझ रहे कैसा होगा इंस्टेड ऑफ लिविंग चैप्टर चैप्टर पूरा ही हमको टफ लगता है पूरा ही छोड़ने से अच्छा समरी से पहले इसको पूरा ग्रिप बना लो रट लो और क्वेश्चन शुरू कर दो क्वेश्चन में नए पॉइंट्स आएंगे ईडीएस के रेट और उसके अलावा भी नए पॉइंट आएंगे नए पॉइंट के लिए आप वर्किंग से आप रिवर्स चलिए उत्तर भी कर लोगे तो भी एग्जाम परफॉर्म कर जाओगे समझ रहे हैं तो अब ओवरऑल तो आपको पता है टीडीएस एडवांस टैक्स क्या होता है पहले फिर भी बात कर लेते हैं फिर समरी पे जाएंगे तो एडवांस टैक्स क्या होता है एडवांस टैक्स कौन पे करता है पेयर ऑफ इनकम पे करता है कि एसएससी खुद पे करता है बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कुछ कैसा कुछ एस खुद पे करता है और नॉर्मल टैक्स जो है हम असेसमेंट ईयर में पे करते हैं जिसको हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोलते हैं सोच के देखिए हम क्या सीखते हैं टोटल इनकम निकालना सीखते हैं फिर हम टैक्स निकालना सीखते हैं फिर टैक्स में अगर कोई पहले से टी डी किसी ने कर लिया हो तो उसको माइनस करते हैं ना और हमने खुद ने प्रीवियस ईयर में एडवांस टैक्स दे दिया उसको माइनस करते हैं यस सर नो और जो बैलेंस बच गया फिर भी इफ पेबल तो उसको हम पे करते हैं तो वो टैक्स आफ्टर टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स जो पेबल आ रहा है उसको आप क्या बोलते हो सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोलते हैं क्या बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स तो ये तो समझ में आ गया और प्रीवियस ईयर में खुद ही जो हम एस टैक्स पे करता उसको है उसको बोलते हैं एडवांस टैक्स वाइट इज कॉल्ड एडवांस टैक्स क्योंकि नॉर्मल टैक्स पेमेंट का जो रूल बनाया गया प्रीवियस ईयर रूल के हिसाब से असेसमेंट ईयर है सो दैट इट इज कॉल्ड एडवांस टैक्स एक्चुअली एचुअली करेंट टैक्स बोलना चाहिए एडवांस टैक्स है ठीक है और एडवांस टैक्स क्या लगता है आपको जो जितना आपको पता है ये वॉलेंट्री है कि मैंडेटरी है मैंडेटरी है मर्जी से देना होता तो कोई नहीं देता तो जिसकी भी टैक्स लाइबिलिटी दस हजार या उससे ज्यादा होती है स हजार ज्यादा होती है उसको एडवांस टैक्स देना ही पड़ेगा मैंडेटरी है नहीं देगा तो उसको फिर प्रीवियस ईयर में टू थर्टी फोर सी का इंटरेस्ट लगेगा फिर आगे प्रीवियस ईयर के बाद टू थर्टी फोर बी का इंटरेस्ट लगेगा अगर सेक्शन से याद नहीं भी आ रहा होगा लेकिन इंटरेस्ट लगेगा तो याद आ रहा होगा ना आपको ठीक है एकदम सिंपल सिंपल सुलझे हुए मान से सोचिए इस चैप्टर में मेरा काम आपको पढ़ाना नहीं है मेरा काम यह है कि आपको यह बताना है कि चैप्टर बहुत ईजी है ये समझना है हमको ठीक है तो क्या बातें की अपन ने हमने बातें की कि भी एडवांस टैक्स तो प्रीवियसर में पेड होता है मैंडेटरी है उसको पे करना पड़ता है जिसकी टैक्स लाइबिलिटी दस हजार या उससे ज्यादा हो अभी दस हजार ज्यादा टैक्स लाइबिलिटी का मतलब क्या टैक्स ऑन टोटल इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम जो भी सरचार्ज वगैरह जोड़ने के बाद माइनस करना टैक्स ऑन टोटल इनकम में ये दस हजार है या नहीं चेक करने के लिए टीडीएस टीसीएस माइनस करोगे कि नहीं करोगे करेंगे सोच के देखिए थोड़ा तो बुद्धि लगाइए थोड़ा दिमाग लगाइए प्रोविजन को छोड़िए मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि मैं प्रोविजन के पहले थोड़ा नेचुरल माइंड भी तो लाइए ना सोच के देखिए मेरे को जितनी भी इनकम आती है पूरा फुल टी डी एस कट के आती है अब मेरा टैक्स पेबल नहीं आने वाला अब मैं एडवांस टैक्स जमा करा के करोगे क्या आप मेरी जितनी इनकम आती है फुल टैक्स सैलरी इनकम आती है पूरा टैक्स कट जाती है मान लीजिए अब मैं जब टोटल इनकम पे टैक्स निकालता हूँ टीडीएस देखता हूँ तो पूरा टैक्स मेरा कट चुका मेरा पेबल कुछ नहीं निकलना है और मेरे से आप एडवांस टैक्स जमा कराओगे तो क्या होगा रिफंडेबल आएगा तो जबरदस्ती की फॉर्मेलिटी बढ़ रही है तो इस लॉजिक से भी अगर आप सोचोगे ना तो एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी के लिए जो लिमिट हम चेक करते हैं टेन थाउजेंड या उससे ज्यादा टैक्स ऑन टोटल इनकम माइनस टीडीएस टीसीएस होने के बाद जो अमाउंट आएगी उस अमाउंट को देखना है इफ दैट अमाउंट इज मोर देन मोर देन इक्वल टू टेन थाउजेंड यू हैव टू पे एडवांस टैक्स यहां तक समझ में आए हाँ हाँ टैक्स तो अपन पूर, पूरी जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं यहाँ पर जब तक अनलेस अदरवाइज नॉट गिवन हम प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं मंथली टैक्स कभी नहीं निकाला होगा आपने अप्रैल का टैक्स सोच के देखना कभी नहीं निकाला होगा अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है एडवांस टैक्स में कि सर प्रीवियस ईयर मान लो हमारा ट्वेंटी ट्वेंटी वन है तो हाउ कैन आई एक्यूरेटली असेस दैट माई टैक्स लाइब्रिटी वुड बी टेन थाउजेंड और मोर और नो ये समझ में आया कि नहीं मैं क्या बोला समझ में आया भैया आपसे टैक्स कब मांगा जा रहा है ट्वेंटी ट्वेंटी वन जो प्रीवियस ईयर है उसका इसी में चार किस्तों किस्तों में मांगा जा रहा है सही है ना चार किस्त तो अब आप पहली किस्त कब आती है शायद आपको याद होगा तो पंद्रह छह को आती है पंद्रह छह दो हजार बीस और पंद्रह छह दो हजार बीस को क्या बोल रहे हैं ये कि इस पूरे प्रीवियस ईयर में जो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी है अगर वो दस हजार या उससे ज्यादा है तो जो भी टैक्स एक्चुअल आ रहा है उसका एक निश्चित परसेंट कितना परसेंट है 15 है नहीं आधे कोई बात नहीं कॉन्सेप्ट तो एक बात बताओ टोटल टैक्स लाइबिलिटी का पंद्रह परसेंट आपको कब जमा करना है पंद्रह छह तक थोड़ा इमेजिन करो अभी प्रीवियस ईयर चालू ढाई महीना हुआ है कहीं बोल रहा हूं ना और आप पूरे प्रीवियस ईयर का टैक्स निकालकर उसका पंद्रह परसेंट निकालकर यहां जमा कर रहे हो इसलिए यहां पर एक वर्ड यूज किया एस्टिमेटेड तो एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड टैक्स ऑन टोटल टोटल इनकम इनकम आफ्टर इफ मोर देन इक्वल टू देन यू हैव टू पे एडवांस टैक्स इफ यू से सर मेरा एस्टिमेट तो बिगड़ जाएगा तो ठीक तो है ना प्रीवियस ईयर में जितना भी डिले आपने किया है उसमें एक इंटरेस्ट लगेगा टू थर्टी फोर सी का एट द रेट ऑफ वन परसेंट पर मंथ मतलब आप ये प्ली नहीं दे सकते कि सर मेरा एस्टिमेट उस समय कैसे मैं हिसाब लगाता इसलिए मेरा पंद्रह जून वाला एडवांस टैक्स कम जमा हुआ दस ही परसेंट जमा हुआ नौ ही परसेंट जमा हुआ क्योंकि ये सब गणित कब आएगा असेसमेंट ईयर में तो जब आप असेसमेंट ईयर में बैठोगे कि यार कितना टैक्स आया तो एक्चुअल तो उस समय पता लग जाएगा और एक्चुअल का जब आप पंद्रह निकालोगे तो दिखेगा उस समय तो आपने निकाला था तो जो जितना कम आपने जमा किया है क्या उस कम का ब्याज लगेगा यस ब्याज लगेगा एस्टिमेशन करेक्ट होना चाहिए थोड़ा बहुत एस्टिमेशन वो चला लेंगे पंद्रह का बारह परसेंट तक भी करेंगे तो भी चला लेंगे ऐसा नियम है दिस इज एडवांस टैक्स क्या समझ में आ रही बात है ना तो बस जितना हमने डिस्कस किया इट्स इनफ अभी हम इतना ही बात करते हैं है ना कोई परसेंट आपको याद नहीं आ रहा होगा इट्स ओके कोई दिक्कत नहीं है अब चलेगा चलिए अब हम बात करते हैं टी की तो जब हम टी की बात करते हैं तो टीडीएस क्या है भैया टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कौन टीडीएस करता है पेयर ऑफ इनकम जैसे सैलरी देने वाला इंप्लॉयर दे टीडीएस वाला इंटरेस्ट पे करने वाला टी डी काट के दे दिया तो टीडीएस का डिडक्टर बोलिए या पेयर ऑफ इनकम बोलिए एक ही बात है सेट हो रहा है माइंड में तो टीडीएस डिडक्टर और वी कैन से पेयर ऑफ इनकम विल डिडक्ट टी एट अ सर्टेन परसेंटेज गिवन दिस चैप्टर और उस केस में वो डिडक्टर का स्टेटस क्या होना चाहिए वो भी लिखा है कई सारे सेक्शन ऐसे हैं जिसमें इंडिविजुअल को टीडीएस को डिडक्ट करने की जवाबदारी से दूर रखा गया जिनका पिछले साल ऑडिट नहीं होता और टीडीएस डिडक्टी जो है उसका भी स्टेटस दिया हुआ है एक लिमिट भी दी हुई है कि इस लिमिट के ऊपर होने पर ही टीडीएस काटना भाई नहीं तो छोटी मोटी अमाउंट में टीडीएस काटोगे तो फिर अगेन प्रॉब्लम है तो टीडीएस में हमको मेनली क्या पढ़ना है सेक्शन हु विल डिडक्ट टी डी एस फॉर हुम होम दीडीएस टू बी डिडक्टेड एंड इज द परसेंटेज ऑफ टी डी एस एंड वॉट इज द लिमिट अप टू विच नो टी डी एस शुड बी मेड एंड रिमार्क्स ये याद रहना चाहिए हमको टी डी एस समझ में आ रही बात अब जब टी डी एस डिडक्ट करोगे तो टी डी एस डिडक्टर के ऊपर कुछ जवाबदारी डाली गई कि बेटा अगर तुम टी डी एस नहीं काटोगे या काट के नहीं जमा करोगे तो हम तुम्हारा एक्सपेंस डिसअलाउ कर देंगे जो सेक्शन फोर्टी में भी पढ़ते हैं अपन आई में भी पढ़ते हैं सेक्शन फिफ्टी एट में डिसलाउ करने का एक ही सेक्शन है वहां तो सही है ना वहां पर भी पढ़ते हैं और अगर टी का डिडक्टर टैक्स काट के जमा करने में डिले करता है तो उसको इंटरेस्ट भी लगता है है ना अच्छा टी का जो डिडक्टर उसको एक और जवाबदारी डाली गई कि भैया तुमने हर तीन तीन महीने में तुमको टीडीएस का एक रिटर्न फाइल करना है जिसको क्वार्टरली स्टेटमेंट बोलते हैं क्या लिखता होगा रिटर्न में वो कि भाई किन किन लोगों को मैंने टी के अंतर्गत काटा, काटा हुई? उसमें मैं पैसा मैंने चलान के अंतर्गत या समझने के लिए टीडीएस रिटर्न बोलेंगे ठीक है जो टीडीएस डिडक्ट करते हैं उसको एक यूनिक नंबर लेना पड़ता है ताकि डिपार्टमेंट उस पर ध्यान रख सके कि भाई ये टीडीएस प्रॉपर काटा है कि नहीं काटा उसके लिए एक टीडीएस का नया और यूनिक नंबर लेना पड़ता है पेन के अलावा क्या कहते हैं उसको टेन बोलते हैं TDS, number, 10 लेना है। और जो डिडक्टी होता, होता है, वो जो है उतना रुपए या टोटल इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम निकालता, है, निकालता है, तो उसमें क्लेम कर लेता है तो खत्म हो गई अब कई सारे सेक्शन में अलग अलग चीज पढ़ोगे कि भाई कौन कौन से केस में टीडीएस नहीं काटना है इंटरेस्ट पर टीडीएस काटो वहीं पर हम पढ़ते पार्टनरशिप फॉर्म जो आप अपने पार्टनर को इंटरेस्ट देगी तो टीडीएस नहीं काटेगी तो ऐसे कुछ सिचुएशन भी दिए जहां पर टीडीएस नहीं होगा क्लियर है फिर टीसीएस की बात करते हैं तो टीसीएस की स्टोरी क्या है टीडीएस टीसीएस नाम से ही फर्क साफ साफ दिख रहा है टीडीएस पेयर ऑफ इनकम डिडक्ट कर सकता है नहीं है कि नहीं टीडीएस कौन डिडक्ट कर सकता है पेयर ऑफ इनकम पक्का और जो टीसीएस है वो लर य देखो मेरे को पैसा किसी को देना है देना है तभी तो मैं कुछ काट सकता हूँ मेरे को मेरे ही पैसे लेने हैं आपसे मैं आपसे पैसा कैसे काटूंगा मेरे ऊपर जवाबदारी डालोगे तो मैं आपसे कलेक्ट कर सकता हूँ क्लियर है कि नहीं आई कैन कलेक्ट तो ये जवाबदारी जहां पर सेलर के ऊपर टीडीएस की टीडीएस बोल रहा हूं मैं समझाने के लिए सेलर के ऊपर मैं बोलूंगा भैया तुम भी टीडीएस काट लेना तो क्या बोलेगा भाई मैंने तो बेचा है सामान मेरे को अपने ही पैसे लेने हैं तो मैं और टैक्स काटूंगा काय में अच्छा बोले ठीक है आप टीडीएस नहीं कर सकते तो आप टीसीएस कर लो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स तो मैं अगर आपको पांच लाख का सामान बेचा हूं तो मैं मान लो एक परसेंट है तो एक परसेंट में आपसे पांच लाख और टीसीएस भी कलेक्ट करूंगा और टीसीएस को नेचुरल जैसा टीडीएस जैसा ही जमा करूंगा जैसा टीडीएस का रिटर्न है वैसा ही टीसीएस का भी उसी रिटर्न में चला जाता है और जैसा आप टीडीएस क्लेम करते वैसा ही आप क्या क्लेम करोगे टीसीएस दिस इज द स्टोरी So with this story, this be तो विद दिस स्टोरी दिस चैप्टर शुड बी स्टार्टेड ठीक है ना तो कई सारी चीज़ें हम सीख गए दस हज़ार वाले लिमिट्स सीख गए एस्टिमेट सीख गए चार इंस्टॉलमेंट सीख गए है ना? चलिए अब एक काम करते हैं अपन पेज नंबर नाइन पॉइंट नाइन सिक्स अब मैं आपको सीधा एग्जाम ओरिएंटेड बता रहा हूँ उसी पैटर्न से पढ़ना नहीं तो चैप्टर टफ लगने लगता है हमको हाँ हाँ तो आएगा ना कहाँ जाएगा तो पढ़ना ही पड़ेगा ना पेज नंबर वन नाइन पॉइंट नाइन सिक्स निकाल लीजिए यहाँ से अपन एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं इसको आपस में डिस्कस करके बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना है हालांकि इसमें मैं आपको कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो भी बताऊँगा उसमें तो इसको बहुत अच्छे से फोकस करना है चलिए इफ यू गो टू दिस सेक्शन दिस समरी तो इसमें सेक्शन वन नाइन्टी टू दिया हुआ है और इसका एक लेटेस्ट और समरी आपके वेबसाइट में भी दिया है इन्हें इंस्टीट्यूट ने थोड़ा कलरफुल दिया है तो देखना वैसे यही है अगर कुछ और बेनिफिट मिले तो उसको इसमें अपडेट कर लेना सबसे पहला सेक्शन वन नाइनटी टू विच इज नेचर ऑफ पेमेंट सैलरी तो नेचुरली पढ़ते ही मेरे माइंड में एक पिक्चर आ जाने चाहिए हु हु विल विल डिडक्ट इट एम्प्लॉयर बी द डिडक्टी एम्प्लॉई करेक्ट है ना ये अकेला ऐसा सेक्शन है जिसमें कोई रेट नहीं दिया हुआ है क्योंकि यहां पर टीडीएस कितना डिडक्ट करना है जितना एम्प्लॉय की टैक्स लाइबिलिटी है टोटल इनकम पे सैलरी पे भी नहीं तो एम्प्लॉयर को एक जवाबदारी दी गई कि एम्प्लॉय की टोटल इनकम पे जो एक्चुअल टैक्स बनता बनेगा एस्टिमेटेड उतना आपको हर महीने धीरे धीरे टी कर लेना है ताकि टैक्स पेबल फ्रॉम एम्प्लॉय साइड जीरो हो जाए ठीक है तो नेचुरली बड़ी लाइबिलिटी है एम्प्लॉयर को क्या करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को जो सैलरी दे रहा है उसके अलावा एम्प्लॉय की अदर इनकम को भी बुलवाना पड़ेगा तभी तो वो समझ पाएगा ना भाई उसको थोड़ा सपना आएगा तो ये यूनिक सेक्शन इसलिए है तो नाइनटी टू इसमें किसका हो रहा है भैया पे हो रहा है ठीक है और बेसिक एग्जिमिशन लिमिट थ्रेसो लिमिट के ऊपर होने पर टीडीएस काटना है तो नेचुरली यहां पर बेसिक एक्सिमिशन लिमिट थ्रेसो लिमिट है केस दिस इज दिस इज टेकन केयर ऑफ इन कम्पिटिशन ऑफ द एवरेज रेट ऑफ

एम्प्लॉयर सही है कि नहीं और पे यहाँ पर इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल मतलब कौन है यहाँ पर एम्प्लॉय रेट ऑफ टीडीएस एवरेज रेट ऑफ इनकम एवरेज रेट ऑफ इनकम ऑन द बेसिस ऑफ रेट इन फोर्स रेट इन फोर्स मतलब करेंट रेट जो भी है उसके पैसा रेवरेज निकालेंगे और जैसे जैसे पिमडो का उतना टीडीएस करते जाएंगे और मार्च में फिर उसकी पूरी डिटेल मंगाएंगे और उसके टैक्स में जितना कम ज्यादा रहेगा उतना एक्स्ट्रा टी कर लेंगे और टाइम ऑफ डिडक्शन एट द टाइम ऑफ पेमेंट अब यहां पर थोड़ा रुकते हैं कई सारे सेक्शन हैं जिसमें टीडीएस कब काटा जाता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट एवर इज अर्लियर जैसे मेरे को आपको इंटरेस्ट देना है अब मार्च खत्म हो गया मैंने इंटरेस्ट पे नहीं किया तो एंट्री तो करूंगा ना मैं तो मैं क्या करूंगा आपसे मैंने लोन लिया था तो मेरे को इंटरेस्ट देना है तो मैं क्या एंट्री करूंगा मर्केंटाइल सिस्टम में इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू उंट उस लोन अकाउंट में शिफ्ट कर दूंगा मैंने इंटरेस्ट का पेमेंट किया क्या कि आपको नहीं किया लेकिन सेक्शन है समझ रहे थोड़ा इसको प्रैक्टिकली सोचना फिर धीरे धीरे याद हो जाएगा ये तो यहां पर कब टी डी एस काटना है एट द टाइम ऑफ पेमेंट करेंगे तब टीडीज काटना है क्लियर है पॉइंट दिस सेक्शन वन नाइनटी टू इसका कोई क्वेश्चन बड़ा भारी आता नहीं है एक आध क्वेश्चन एडिशनल शीट में दिया है उसको आप देख सकते हैं ना उसके बाद सेक्शन वन नाइनटी टू ए वन टू ए इन्होंने बनाया है प्री मेच्योर्ड विड्रॉल फ्रॉम एम्प्लॉज प्रोविडेंट फंड क्या आपको ख्याल है कि प्रोविडेंट फंड का पैसा जब कुछ नहीं रहता तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड ही मानते हैं प्रोविडेंट फंड का पैसा जब मेच्योर्ड होता है तो एम्प्लॉई के हैंड में एक्जेंट होता है इफ सर्टेन कंडीशन आर फुलफिल कंटिन्यू ईयर ठीक है ना तो अगर वो एग्जेम्ट है तो जब उसमें टैक्स ही नहीं लग रहा है तो उसको पैसा देते समय टीडीएस होना चाहिए क्या नहीं इसलिए प्री मेच्योर्ड विद्रॉवल

पेयर मतलब डिडक्टर पे मतलब डिडक्टी जी भाई क्या लिखा हो इसमें क्वांटिटीज काटेगा ट्रस्टी ऑफ द ईपीएफ ईपीएफ मतलब एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम और एनी ऑथोराइज पर्सन अंडर द स्कीम ट्रस्टी क्यों लिखा है क्योंकि जो टीडीएस की जो जो पी का अमाउंट है वो जिस जो मेंटेन करता है ही विल बी अ ट्रस्टी एक संस्था रहती मान लीजिए तो उसको टीडीएस काटना है किसका टीडीएस काटना है नेचुरली एम्प्लॉय का टी से एस काटना है टेन परसेंट नॉर्मल रेट क्या दिया टेन परसेंट लेकिन अगर पेन नहीं दोगे इन केस द फेलियर टू फर्निश पेन किसका पेन एम्प्लॉय ने पेन नहीं दिया पेन तो टीडीएस एट द रेट ऑफ जी भाई मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या है मैक्सिमम मार्जिनल रेट तो बताओ तो निकाल लो ना अभी निकाल लो ना कुछ था क्या ये रटने की जरूरत नहीं यही तो समझा रहा हूं मैं आपको इन केस ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ इंडिविजुअल बात फोर्टी टू पॉइंट सेवन फोर फोर परसेंट आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि रटने की जरूरत नहीं है थर्टी परसेंट प्लस थर्टी सेवन परसेंट सरचार्ज फिर जोड़ने के बाद चार परसेंट हाँ जी तो यहाँ लिखूँ क्या डेट इजी परसेंट प्लस थर्टी सेवन परसेंट और इन दोनों में प्लस फोर परसेंट इज इक्वल टू फोर्टी टू पॉइंट सेवन फोर फोर परसेंट देखिए कितनी बड़ी बात है अगर उसने पेन नहीं दिया तो टीडीएस का रेट कहासेंट और कहाँ हो जाएगा फोर्टी टू पॉइंट सेवन फोर फोर परसेंट और कब टीडीएस करना है हाँ हाँ वहां देखा जाएगा फिर ये टी टी का मतलब एग्जैक्ट टैक्स थोड़ी ना होता है आपने टैक्स काट के जमा कर दिया पेयर ने टैक्स काट के जमा कर दिया अब पे के हैंड में एक्चुअल टोटल इनकम निकलेगा असेसमेंट होगा प्रॉपर टैक्स निकलेगा टीडीएस जो है वो माइनस होगा अगर टीडीएस की अमाउंट बड़ी है टीसीएस की एडवांस टैक्स की अमाउंट बड़ी है तो माइनस होने के रिफंडेबल निकलेगा इट्स नॉट असेसमेंट क्लियर करो इट्स अ टेंटेटिव टैक्स कलेक्शन एट सोर्स आप सोचो ना कई जगह टेन परसेंट टीडीएस काटना रहता है कई जगह ट्वेंटी परसेंट टीडीएस के हाथ में टेन परसेंट से टैक्स रेट है क्या फ्लैट रेट है क्या? उसके हाथ में तो टोटल इनकम स्लेब रेट है तो कुछ भी हो सकता है rate तो, तो ठीक है है। हाँ जी, 192 salary, 192 A, डिंचर हो गया बॉन्ड हो गया जिसमें इंटरेस्ट होता है तो अगर मैंने कहीं डिवेंचर में बॉन्ड में इन्वेस्ट करके रखा है तो सामने वाले जब पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट का तो टीडीएस काट के करेंगे कब होगा देखो तो कोई लिमिट है क्या थ्रेसौ लिमिट मोर देन टेन थाउजेंड इन फाइनेंशियल ईयर इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन एट परसेंट सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड टू थाउजेंड थ्री सेवन पॉइंट सेवन फाइव परसेंट सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड टू थाउजेंड एटीन

पाँच हजार से ऊपर होने पर टीडीएस काटना है और तीसरा है नो थ्रेसो लिमिट मतलब बाकी सब केस में कितनी भी अमाउंट हो टी डी एस काटना है दस हजार की लिमिट किस में दी हुई है मोर देन टेन थाउजेंड होने पर दो टाइप के बॉन्ड है तो इसका इंटरेस्ट जब आएगा तो दस हजार से ऊपर होने पर फाइनेंशियल ईयर में तभी टी डीएस काटना है फाइव थाउजेंड वाली लिमिट किसके लिए दी हुई है देखो जरा हाँ जी इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पब्लिक सेक्टर कंपनी जब इंटरेस्ट डिबेंचर और इसके अलावा कोई भी केस है तो नो थ्रेसोल लिमिटेड एक हज़ार भी पेमेंट होगा तो टी डी एस घटेगा हाँ जी भाई समझ में आ रहा है क्या धीरे से होगा तो न समझ में आ रहा है ना किसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 193 में टी डी एस लिमिट कितनी है या नो टी डी एस की लिमिट है दस हज़ार पाँच हज़ार जीरो ज़्यादा होनी चाहिए अच्छा टी डी एस डिडक्टर कौन है यहाँ पर देखो भाई

चौदह मई दो हज़ार बीस से इकतीस मार्च दो हज़ार इक्कीस तक दिस इज एन यूनिक एंड इंपॉर्टेंट डेट वाई बिकॉज इस पीरियड में जहां जहां पर आपको टी डी एस का रेट दिखेगा उसमें थोड़ा थोड़ा डिडक्शन यानी टी डी एस का रेट पर डिस्काउंट दिया गया इससे टैक्स लाइबिलिटी बचती है क्या हाँ हाँ कौन सर कहां लिखा है हाँ 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 पेड और क्रेडिटेड रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचएफ बाई अकाउंट पे चेक हाँ क्या डाउट है एनी रेसिडेंट है तो so, बाकी लोग नो लिमिट नो थ्रेसो लिमिट में चले जाएंगे ना अगर आप उस केस में नहीं आ पा रहे तो उसके लिए बैलेंसिंग फिगर बनाए ना नहीं समझ में आप मैं मानता हूँ आप पाँच हजार वाली लिमिट में नहीं आ रहे हो तो नीचे उतर जाओगे आप एनी अदर केस तो फिर मान लो किसी कंपनी को पेमेंट हो ये बोलना चाह रहे हो आप तो कंपनी को पेमेंट हुआ तो एक हजार रुपये भी पेमेंट होगा तो टी डी एस कट जाएगा क्योंकि वहां पर थ्रे लिमिट नहीं है क्लियर है पॉइंट हाँ जी तो ये पीरियड मार्क कर दिया हूं मैंने चौदह मई दो हजार बीस से लेकर इकतीस मई

अर्लियर क्रेडिट किसके अकाउंट में पेई के अकाउंट में क्रेडिट करोगे आप पे पैसा दे रहे हो तो और पेमेंट इज अर्लियर नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज 194 पहले सेक्शन थोड़ा सोया हुआ था अब अब काफी जाग गया है क्योंकि टीडीएस यहां पर डिविडेंट टैक्सेबल हो गया एम्प्लॉय शेयर होल्डर में पहले केवल कंपनी के डिविडेंड पे काम आता था सेक्शन नाउ 194 नाइनटी फोर सेक्शन फोर इज डिविडेंट इंक्लूडिंग डिविडेंट ऑन प्रिफरेंस शेयर

डोमेस्टिक कंपनी इंडियन कंपनी ने लिखा है क्या फॉरेन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी बन सकती है आंसर यस yes. तो यहाँ पर आप पेज नंबर रेफर कर लेना डोमेस्टिक कंपनी पढ़ के मेरी बात समझ में आ जाएगी ठीक है भाई तो मैं थोड़ा सा एक स्पेशल मार्क तो फिलहाल कर लू इस पर हमको थोड़ा सा वर्किंग करना है भाई ठीक है ना इसमें हमको थोड़ी सी वर्किंग करना है क्यों लिखा है भाई डोमेस्टिक कंपनी हमको थोड़ी सी बात समझ में आनी चाहिए आगे देखते हैं रेसिडेंट शेयर होल्डर अगेन अगर नॉन रेसिडेंट शेयर होल्डर है पहले तो बताओ नॉन रेसिडेंट शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है तो उसके अंदर टैक्सेबल होता है कि नहीं होता नॉन रेसिडेंट शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है तो अगर वो इंडियन कंपनी ने डिविडेंड दिया है वो तो इन इंडिया in होता है इवन फॉरेन कंपनी में भी इंडिया में डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा तो वहां टी नहीं होगा क्या इस सेक्शन में नहीं होगा नॉन रेसिडेंट का वन है इस सेक्शन में नहीं होगा तो यहां पर शेयर होल्डर कौन होना चाहिए रेसिडेंट टी का रेट की बात कर ले तो टीडीएस का रेट हो गया टेन परसेंट जब आप पूरा पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा टीडीएस का जनरल रेट टेन परसेंट है आराम से याद हो जाता है और अगर वही खास पीरियड में रहेगा तो साढ़े सात परसेंट टीडीएस काटना कब है बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट बाई एनी मोड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी रूडेंट और बिफोर मेकिंग एनी डिस्ट्रीब्यूशन और तो मैं कुछ वर्ड मार्क करता हूं यहां पर पेमेंट एक वर्ड मार्क करता हूं डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है ये देखिए बिफोर मेकिंग मतलब जस्ट उसके पहले काट लो बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट बाई मोड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिविट और बिफोर मेकिंग मेकिंग एनी एनी डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट ऑफ डिविडेंट तो पेमेंट कुल मिलाकर इसमें लिखा हुआ है पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन पेमेंट एक ही बात है एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट क्योंकि कभी कभी डिस्क्लोज भी होता है मीटिंग में वो नहीं एट द टाइम ऑफ पेमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन एट द टाइम ऑफ पेमेंट सिंपल वर्ड बता रहा हूं तो कौन कौन से सेक्शन हो गया सैलरी हो गया ए आपका EPF का विड्रॉल फिर वन नाइनटी थ्री इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी हो गया वन नाइन्टी फोर आपका डिविडेंड हो गया अब इसमें थोड़ा थोड़ा आप माइंड मेकअप बनाते जाइए रेसिडेंट के लिए है किसके लिए ये चार्ट मजबूत हुआ मतलब चैप्टर आसान हुआ जैसे जैसे वर्किंग करेंगे ना आगे शुरू ही यहीं से करना कभी भी चैप्टर 194 ए ये बहुत यूज होने वाला सेक्शन है क्योंकि इसमें नॉर्मल इंटरेस्ट आ जाता है अब थोड़ा इसका प्रैक्टिकली सोचिए इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पे 193 है और इसके अलावा बाकी इंटरेस्ट के लिए सेक्शन है तो बाकी इंटरेस्ट थोड़ा सोचो ना मैंने आपसे बिजनेस के लिए लोन लिया इंटरेस्ट दे रहा हूं टीडीएस काटूंगा बैंक के इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं भले कि कई जगह इंटरेस्ट पे टीडीएस काटने को बैन किया इन्होंने रुक दिया है। तो जहां जहां इंटरेस्ट आएगा वो सब आ जाएगा जैसे एक एग्जाम्पल मैंने दिया था पार्टनरशिप फॉर्म भी तो पार्टनर को इंटरेस्ट देती है, no, no है।, हो है? ज्यादा होने पर होगा इन फाइनेंशियल ईयर इन केस ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिटेड और पेड बाई कौन पेड कर रहा है बैंकिंग कंपनी बैंक कब आपको टीडीएस देती है बताइए या बैंक में आप डिपॉजिट करते हो एफडी वगैरह करते हो तो जब आप एफ करते हैं तो उसका इंटरेस्ट जो क्रेडिट होता है टीडीएस काट के क्रेडिट होता है है ना बैंकिंग कंपनी और कौन है भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग का बिजनेस कर रही है और कौन है पोस्ट ऑफिस ऑन एनी डिपॉजिट सीनियर सिटीजन पूरा मार्क कीजिए रेसिडेंट सीनियर सिटीजन टैक्स रिडक्शन लिमिट इज मोर देन फिफ्टी कुछ समझ में आ रहा है डिस्काउंट मिल गया इनको एक प्रकार से नॉर्मल कितनी है लिमिट चालीस हजार लेकिन सीनियर सिटीजन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन को पचास हजार पचास हजार तक टीडीएस नहीं कटेगा उनका और बाकी सभी केसेस में लिमिट है 5, ठीक है भाई टीडीएस कब कटेगा वेन द इंटरेस्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियर इज मोर देन फोर्टी फिफ्टी इन केस फाइव थाउजेंडक्ट टी डी एस अगर मैं बिना सोचे समझे डीडीएस की बार, बात करूं तो भैया पर ये पहला सेक्शन आप पढ़ रहे हैं जहां पर अदर देन इंडिविजुअल लिखा है लेकिन इंडिविजुअल में जिनकी पिछले साल ऑडिट होती है जिनकी पिछले साल ऑडिट होती है उनको टीडीएस काटना पड़ेगा तो कई सारे ऐसे सेक्शन है जहां पर ये प्रोविजन लिखा है तो काफी कॉमनली यूज होता है पढ़ के देखते हैं कौन टीडीएस काटेगा अदर देन यहीं इंडिविजुअल एच इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे तो टीडीएस नहीं काटेंगे लेकिन इसमें वो इंडिविजुअल जिसका पिछले साल पिछले साल मतलब मान लो मैं ट्वेंटी ट्वेंटी वन में इंटरेस्ट का पेमेंट करो मैं इंडिविजुअल हूं तो नाइनटीन ट्वेंटी में अगर मैं ऑडिट में आता हूं तो मैं इस साल टीडीएस काटूंगा है ना पढ़ के देखते हैं टोटल सेल्स ग्रॉस रिसीड्स और टर्न ओवर फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन डू नॉट एक्सीड वन करोड़ केस ऑफ बिजनेस और फिफ्टी लैक केस ऑफ प्रोफेशन ड्यूरिंग द इमीडिएटली हाँ जी भाई इमिडिएटली ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कुछ समझ में आ रहा है तो उन इंडिविजुअल एच को टी नहीं काटना है जिसका पिछले फाइनेंशियल ईयर में टर्न ओवर बिजनेस में एक करोड़ से ऊपर नहीं है और प्रोफेशन पचास ऊपर नहीं है मतलब उनकी ऑडिट नहीं होती सही है कि नहीं इसको सिंप्लीफाइड वर्ड में बोले तो कौन काटेगा रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इंटरेस्ट ठीक है तो मैं इसको थोड़ा सा लिखना चाहूं तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं वो विल डिडक्ट टीडीएस तो यहां पर लिखूंगा इंडिविजुअल एच यू एफ ऑडिटेड अंडर सेक्शन फोर्टी फोर ए बी ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्रीसीडिंग ईयर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर मतलब मेरे एग्जाम्पल में नाइनटीन ट्वेंटी देन बल टू डिडक्ट दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं आप हाँ हाँ तब भी टीडीस काटना पड़ेगा रियली में तो ऑडिट ही लिखा हुआ है ये समझाने के लिए आपको लिखा है आप ठीक है क्या भाई एक बार समरी डिटेल में पढ़ना आप थोड़ा सा किसका टीडीएस काटना है में इंटरेस्ट वाला तो हो गया किसका टीडीएस काटना है एनी 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 रेसिडेंट रेसिडेंट अगेन पर क्या लिखा हुआ है टीडीएस का रेट 10%. उस खास साढ़े सात परसेंट मतलब धीरे धीरे कंक्लूड होता जा रहा है जान -जान दस परसेंट है और जहां अलग रेट है वो आपको वैसे याद हो जाता है तो एक्सेप्शनल रेट को अलग से नोट बना के रख लेंगे और नॉर्मल रेट अभी क्या चल रहा है उसका साढ़े सात परसेंट कब होगा टीडीएस वही कॉमन पॉइंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच इज अर्लियर दिखा क्या देखो जरा नेक्स्ट 194 बी अपने आप याद रहता है हाँ जी पांच हजार का आ, अगर मैंने बिज़नेस के लिए मैंने बिज़नेस के लिए आपसे लोन लिया तो मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा तो आपको इंटरेस्ट साल भर में पांच हज़ार से ऊपर होगा तब तो तो दूंगा क्योंकि ऊपर कहीं नहीं आ रहा देखो नहीं नहीं हाँ तो भी पांच हजार वो केवल ऊपर के लिए है सीनियर सिटीज़न वाला पॉइंट केवल बैंकिंग के लिए लो ना बैंक के लिए चालीस और पचास हजार की लिमिट है, 40, 50 से होने पर और बाकी जो है उसमें पांच हजार से ऊपर टीडीएस का लॉजिक है बड़ी थ्रे लिमिट देने का मतलब रिस्क लेना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिस्क ले रहा है भाई उस लिमिट के अंदर वाले तो फिर अनअकाउंटेड रह जाएंगे लेकिन पैसा बैंक के पास पड़ा है सोचो ना तो अनअकाउंटेड मनी है ही नहीं वहां पर ये इसका लॉजिक है 194B डबल बी तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है 194B कौन सी इनकम है? विनिंग के लिए दस हजार से ज्यादा होगा का ट्रीटीज काटना है paying, person, या नहीं लिखा देखिए आप 30%, को भी पेमेंट हुआ इंडिया से किसी लॉटरी विनिंग का या कुछ भी तो थर्टी परसेंट टीटीज होगा और एट द टाइम ऑफ पेमेंट ठीक है भाई नाउ वन डबल बी ये सेम हॉर्स रेस के लिए है दस हजार से ज्यादा कौन टी काटेगा जो भी पेमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वी कैन से बुक मेकर और अ पर्सन होल्डिंग लाइसेंस जो इसका लाइसेंस ले रखा है वो सब हो गए एनी पर्सन थर्टी परसेंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट ठीक है मान लो कैमल रेस हुई उसमें मैंने चार लाख रुपए जीत लिए तो कौन से सेक्शन में टीडीएस होगा हाँ जी वन बी में आएगा एनी लॉटरी अगर आपका कोई मत गुसान लेकिन डबल बी में केवल और केवल हॉर्स रेस है नेक्स्ट चले नाउ नेक्स्ट इज अटी फोर सी ये भी काफी यूज होने वाला सेक्शन है 194C. 194C में क्या हो रहा है भैया पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर थोड़ा सोचना ज़रा कॉन्ट्रैक्टर को जनरली आपके माइंड में क्या आ रहा है आपका बिजनेस है आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को बोला भी हमारे यहाँ सिविल का काम कर दो उसको ठेका दे दिया और पैसा दे को पैसा देते समय नाइनटी फोर सी में टीडीएस काटना है यही माइंड में आता है बट आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर का मतलब केवल सिविल कॉन्ट्रैक्टर नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट तो मैं आपको एडवर्टाइजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी दे सकता हूँ मैं आपको ट्रांसपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट भी दे सकता हूँ है कि नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एनी वर्क लिखा है यहाँ पर वो देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क में क्या क्या आता है फिलहाल जब आप कॉन्ट्रैक्ट लिमिट देखते हैं सिंगल सम क्रेडिटेड और पेड मोर देन थर्टी थाउजेंड अगर किसी को तीस हजार से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो आपको टीडीएस काटना है सिंगल कॉन्ट्रैक्ट लेकिन कई बार क्या होता है किसी से कॉन्ट्रैक्टर आपका है जिससे छोटे छोटे आपको पांच हजार दस हजार पांच हजार दस हजार के कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं लेकिन साल भर में अगर कॉन्ट्रैक्ट एक लाख से ऊपर हो गया तो भी टीडीएस काटना है

इसका मतलब अगर आपको शुरू में भी समझ में आता है कि इससे कॉन्ट्रैक्ट हमारा बड़ा हो जाएगा तो आप शुरू से भी टीडीएस काट सकते हो ठीक है ना फाइनेंशियल ईयर लिखा है तो सिंगल सम के लिए तीस हजार की लिमिट है और एग्रीगेट सम क्रेडिट और पेड टू अ अंट्रेक्टर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर मोर देन वन लैक ठीक है और यहां पर लिखा हुआ है फिर आगे अगर आप पढ़ें तो इंडिविजुअल एच नीड नॉट डिडक्ट टीडीएस इंडिविजुअल एच नीड नॉट डिडक्ट टीडीएस ड और पेड एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सनल पर्पज फिर से देखो क्या लिखा हुआ है इंडिविजुअल एच एफ नीड नॉट डिडक्ट टैक्स वेयर द सम इज क्रेडिटेड और पेड एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सनल पर्पस मार्क कर रहा हूं पर्सनल पर्पस क्या मतलब हुआ इसका मैंने आप एक कॉन्ट्रेक्टर मैंने अपना घर बनाने का आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया तो घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया तो अब आप आपको पैसा दूंगा टीडीएस नहीं काटूंगा तो इंडिविजुअल के के लिए के लिए केवल बिजनेस के बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया टीडीएस काटूंगा ठीक है अब देखिए का डिडक्टर कौन है वो पेर? पेर की बात करें तो सेंट्रल लोकल अथॉरिटी सेंट्रल स्टेट प्रोविंशियलेशन कंपनी फर्म ट्रस्ट रजिस्टर्ड सोसाइटी यूनिवर्सिटी यूजीसी एक्ट गवर्नमेंट फिर लिखा है ये तो समझ में आ गया इंडिविजुअल जिसका पिछले साल ऑडिट होता है जितनी भी लिस्ट आप एक बार भले पढ़ लो एनी पर्सन uh, मेरे हिसाब से तो एनी पर्सन बट इन केस ऑफ इंडिजुअल एच एफिट होती है पढ़ के देखिए फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन एक्सीट करोड़ इन केस ऑफ बिजनेस एंड मोर देन फिफ्टी लैक इन केस ऑफ प्रोफेशन इन इमीडिएटली फाइनेंशियल ईयर तो पेयर की लिस्ट उन्होंने ऐसे ही बना रखी है लंबी चौड़ी करके हमने पढ़ लिया बट कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल अचीफ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है और पे कौन है यहां पर एनी रेसिडेंट एनी रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क स्पेशली मार्क करना चाहूंगा मैं इस वर्ड को रिंग आउट एनी वर्क इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर वर्क का मतलब आपको डिटेल थ्योरी में मिलेगा मैं आपको बता देता हूं वर्क का मतलब यहां पर कंस्ट्रक्शन से भी है ट्रांसपोर्ट से भी है एडवर्टाइजमेंट वर्क से भी है कई सारे काम का आपने ठेका दिया तो वर्क की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है यहां पर अगर वर्क की डेफिनेशन के बाहर आप चले गए तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट यहां पर नहीं आएगा आप ठेका दे रहे हो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो किस चीज के लिए वर्क के लिए वर्क का मतलब क्या है इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए ठीक है ना इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर वो भी इसमें शामिल है तो आप चाहें तो इस वर्क को आज थोड़ा एलोबरेट कर सकते हैं हम तो क्वेश्चंस के थ्रू देख ही लेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क समझ रहे हैं प्रैक्टिकली ही यूज होता है तो घर तो पर्सनल पर्पज है ना तो टीडीएस तो होगा ही नहीं ना तो आप पैसा कम देते होगे ना तीस हजार से भर में एक लाख से ऊपर ठेका नहीं होता होगा आपके पापा का बिजनेस जो है उसमें वो कौन सा स्टेटस में प्रोप्राइटरशिप है ऑडिट होती है तो यही तो पढ़ रहे हो पढ़ते समय दिमाग अलग चलता है उसको एसोसिएट नहीं कर पा रहे हो आप तो पिछले साल अगर ऑडिट अगर ऑडिट नहीं होती तो सही कर रहे हो आप टी नहीं काट के इंडिविजुअल है प्रोप्राइटरशिप है मतलब इंडिविजुअल और इंडिविजुअल के ऑडिट नहीं हो रही है तो वन सी में से टी काटने की जरूरत नहीं है ठीक है अब अपने पापा से पूछना क्यों टीडीएस नहीं काटे उनको पता होगा प्रैक्टिकली देखते हैं ना वो है ना और हम पढ़ते हैं उसके जब प्रैक्टिकल सिचुएशन आती है तो इसको बंद करके रख देते हैं प्रैक्टिकल वो अलग ढंग से देखते हैं तो ये प्रैक्टिकल से कनेक्शन कब बैठेगा पढ़ने के दौरान थोड़ा बैठेगा और मेन बैठेगा आर्टिकलशिप में मेन आपका ये बैठेगा ये मजा आना जो है ना ये सब्जेक्टिव मैटर है नहीं कई लोग को नहीं आता कई लोग को नहीं आता नहीं सब्जेक्टिव मैटर है कुछ ऐसे लोग हैं मैं अपना बता रहा हूं मैं कई बार दिल से सोचता हूँ कि मेरे को घर में ज़्यादा मजा आता है कि ऑफिस में मजा आता है तो मैं ना कई साल से सोच लिया मेरे को नहीं समझ में आता मेरे को दोनों जगह मज़ा आता है मैं डिसाइड नहीं कर पाता कि मेरे को घर में ज़्यादा अच्छा लगता है कि ऑफ़िस में ज़्यादा अच्छा लगता है तो ये इतना पर्सनैलिटी के ऊपर है और थोड़ा बहुत दस बीस परसेंट चेंज कर सकते हो आप ऐसा नहीं है क्या लगता है आपको मेरे को फेस टू फेस पढ़ाने में मज़ा आता होगा कि ऑनलाइन पढ़ाने में मज़ा आता होगा नहीं आपको क्या लगता है फेस टू फेस ही ज्यादा मजा आता होगा मैं धीरे धीरे ना ऑनलाइन पढ़ाने में अपने मजे को डेवलप कर लिया क्या होता है अगर आपका कोई एरिया आपको ऑप्शन लाइफ नहीं दे रही है आपको लाइफ ऑप्शन नहीं दे रही है यू कैन डेवलप यू कैन क्रिएट इंटरेस्ट वो आपकी पर्सनालिटी है तो आपको ऑफिस में मजा आएगा कि नहीं आएगा ये आपकी पर्सनल आपकी चॉइस तो है एक्चुअली में समझ रहे हम लोग जब आर्टिकलशिप करते थे तो मतलब इतना मज़ा किए कि मतलब हम कभी जीवन में भूल नहीं सकते उसको जबकि ऐसा नहीं कि काम नहीं काम तो ऐसा करते थे जब ऑडिट के समय में हम लोग रात रात भर ऑफिस में ही रहते थे दो घंटा सो गए कुर्सी लगा के वैसा वाला काम किए ब्रांच ऑडिट में गए सौ सौ ब्रांच के ऑडिट कर रहे हैं एक एक टीम बनाकर तो एक एक महीना पड़े हुए हेड ऑफिस में ऐसा वाली ऑडिट की इंश्योरेंस ऑडिट बैंक ऑडिट तो अब उसको मैं लूँगा यार बहुत मेहनत है यार बहुत मेहनत करते हैं बहुत मेहनत है तो जब ये रटना शुरू करूँगा अंदर तो क्या हो जाएगा मेरा मजा खत्म हो जाएगा मोटरसाइकिल में जाते थे उर्ला तो पहुंचते पहुंचते तक तो आधा आधमरा हो जाता है उरला जाता आदमी अब वहां जब जाते थे तो लगता था यार यहां तो असली ऑडिट चल रही है यहाँ तो कॉस्टिंग का भी काम है यहाँ तो ओवरहेड के एब्जॉर्प्शन का भी काम है समझ तो रहे बात को तो वहां पर वो जो शीट बनाते थे हम लोग कि भाई यहाँ पर जितने ओवरहेड से इसको अलग अलग यूनिट्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना तो अपन जो पढ़ते थे एब्जॉर्प्शन वो वहां देखते थे हम फिर उसकी कॉस्टिंग निकालते थे कई ऐसे जगह ऑडिट में जाते थे जहाँ पर रेलवे का टेंडर वगैरह रहता है तो टेंडर में एस्केलेशन क्लॉज रहता है कि भाई आपका सीमेंट का रेट बढ़ गया तो फिर एक्स्ट्रा पैसा का क्लेम करना उसको चेक करते थे एक्साइज ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी का रजिस्टर चेक करते थे तो या तो आप ये सोच लीजिए कि यार बहुत काम है जहाँ आप उल्टे में चले तो आप निगेटिविटी में घिर जाओगे इसीलिए ग्रुप अच्छा होना चाहिए क्यों बोलते हैं आपके चार फ्रेंड है चारों तीनों लोग ये बोल रहे हैं यार बहुत बेकार है एकदम थक जाते हैं थक जाते हैं तो परसेप्शन आपका भी क्रिएट हो जाएगा और आपको आप थक भी गए और आपके बाकी के फ्रेंड बोल रहे यार आज तो ऑडिट में मजा आई ये करने मिला वो करने मिला तो आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा ठीक है परसेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट तो आर्टिकल शिप में मजा आएगी कि नहीं आएगी इट्स ऑन यू कितना परसेंटिटीज काटना है मैंने क्या एरो बना दिया समझ में आ रहा है वर्क क्यों इंपॉर्टेंट है पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर फॉर एनी वर्क

तो कितना परसेंट टी है से भैया मार्क कर लेंगे थोड़ा सी ज्यादा दिख रहा है वन परसेंट और पॉइंट सेवन फाइव परसेंट एक चीज समझ में आ गई पच्चीस परसेंट का डिस्काउंट दिया इन्होंने इस पीरियड में है ना और टू परसेंट कब वन परसेंट देखो तो जरा वन परसेंट ऑफ सम पेड और क्रेडिटेड इफ द पे इज इंडिविजुअल एच एफ किसकी बात चल रही है यहां पर इंडिविजुअल एच एफ थोड़ा पढ़ के तो बताओ कॉन्ट्रैक्टर की बात चल रही है कि पेयर की बात चल रही है पेई की बात चल रही ठेकेदार की बात चल रही है हाँ ठेकेदार की बात चल रही है तो थोड़ा हिंदी में सोचो आप तो जिसका जिसको पेमेंट कर रहे हो अगर मेरे को मेरा क्लाइंट पूछेगा सर कितने परसेंट से टीटीज काटूँ तो मैं अगला क्वेश्चन क्या पूछूंगा जिसको पेमेंट कर रहे हो कौन है उसका स्टेटस क्या है सर वो तो इंडिविजुअल ठेकेदार है मैं लूँगा एक परसेंट से काट लो या अभी बोलूंगा तो पॉइंट सेवन फाइव अगर सर वो तो फर्म है पार्टनरशिप फर्म है उसको बोलूंगा टू परसेंट से काट लो कंपनी टू परसेंट से काट लो ठीक है तो कई जगह ऐसा भी नियम रहता है कि इंडिविजुअल एच को छोड़कर बाकी हैं तो फिर परसेंटेज ज्यादा रहता है ऑफ द सम पेड क्रेडिट इफ द पे इज एनी अदर पर्सन द रेट ऑफ पॉइंट सेवन फाइव परसेंट एन वन पॉइंट फाइव परसेंट आर फॉर अ पीरियड हाँ जी तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है चौदह मई से लेकर इकतीस तीन दो हाँ जी भाई डेट याद हो जाएगी मेरे को तो हो जाएगी मेरे बर्थडे के दूसरे दिन है, है ना हम्म। दो डेट है ना उसमें आप कैसे जज कर सकते और अप्रैल पुल तो नीच बनाया मैं सोसाइटी को

अपना डिस्कशन करना है याद हो जाएगा देखो आपको आज याद था ना है ना इतने फ्लो में मैंने आपके मुंह से कभी नहीं सुना कोई प्रोविजन कंफ्यूज ही रहते हो क्यों आया ऐसा कॉन्फिडेंस आपने या तो डिस्कशन किया है या किसी को पढ़ाया है तभी तो क्या करना है कुछ नहीं करना है किसी को नहीं प... कोई नहीं मिल रहा है ना तो मोबाइल को पढ़ाओ उसका ऑडियो चालू कर दो और धड़ाधड़ उसको पढ़ाओ ऐसा ऐसा लगना चाहिए कि उसको मैं पढ़ा रहा हूँ बस उसके बाद उसके अंदर सब आ जाने लगेगी टेक्नोलॉजी का यूज़ करो ठीक है मेरे को याद है हम लोग के समय तो मोबाइल ही नहीं था मोबाइल ही होते न सुनते थे कि कोई ऐसा डिवाइस आएगा जिसको हम लेके घूम सकेंगे मतलब घर में टेलीफोन वो भी बहुत मुश्किल से लगा था तो मेरे को याद है कि वो हम लोग के समय एक सब्जेक्ट था इंटर में एफ बोलते थे वो याद नहीं होता था उसके कई कोई दो सौ तीन सौ एब्रिवेशन याद करने रहते थे तो हमारे पास वो टेपरी कार्ड रहता था कैसेट वाला तो मैं उसमें ब्लैंक कैसेट लाकर उसको डालकर पूरा उसमें रिकॉर्ड कर दिया था और सवेरे उठे चालू कर दिए पूरा रटा गया था हम काम की पढ़ रहे होते रहते थे। रहे हैं? बनाना, चार्टिंग बनाना मेरे को याद है मेरा ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था जिसकी मेरी समरी नहीं थी इनकम टैक्स के मेरे पास दस पेज थे बस ओनली टेन पेजेस दस पेज को मैं चेक करके एग्जाम जा सकता था तो ये एक्चुअली में क्या होता है मेहनती बहुत होते हैं लेकिन ये स्मार्ट वर्क भी थोड़ा जरूरी है ना आप एक बार अपने किसी चैप्टर को कंप्लीट करके खुद की समरी बनाकर देखो फिर देखो आपका कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा अलग ही लेवल हो जाएगा हाँ नहीं नहीं बहुत छोटा बनना चाहिए बहुत छोटा सैलरी का बनना चाहिए बहुत हो गया तो दो पेज उससे ऊपर नहीं बनना चाहिए हाँ तो मत आने दो ना मेन पॉइंट्स आ जाने चाहिए बाकी पॉइंट आपके स्टडी मटेरियल में है स्टडी मटेरियल को उतारना थोड़ी नहीं मेरे को केवल उन कीवर्ड्स को लिखना है जिससे कि मेरे को प्रोविजन फटाफट रिकॉल हो जाए और जिस एरिया में रिकॉल नहीं होगा स्टडी में जाकर देख लूंगा मैं स्टडी के फ्लो में बनाऊ आप ठीक है जैसे कि मैं अगर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय लिखूंगा ना समझ तो रहे ना क्या बोल रहा हूँ मैं एक पेज में लिखा है स्टडी में मैं इतना ही लिखूंगा बस स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मैं तो एम्प्लॉय भी पूरा नहीं लगता देखे हो आप है ना एग्जाम में लिखना भाई तो मैं लिखूंगा डायरेक्टर एस आई एंड मोर देन फिफ्टी थाउजेंड मेरे लिए तो काफ़ी है एक पेज में लिखा है आपके स्टडी मटेरियल में और अगर इस पॉइंट को पढ़कर आपको पूरी स्टोरी याद नहीं आ रही है इसका मतलब स्टडी अभी कर एक बार और करके आना है आपको एक पेज में लिखा है मानते हैं कि नहीं कार का प्रोविज़न कितना बड़ा है भाई कार का प्रोविजन सोचो ना आप तो मैं मैं लिखूंगा एम्प्लॉयर और एक्सपेंस भी एक्सपेंस भी एम्प्लॉयर दे रहा है ठीक है अगर वो प्राइवेट यूज है तो एक्सपेंस प्लस टेन परसेंट और अगर बोथ यूज है तो अठारह सौ चौबीस सौ प्लस नौ सौ मेरे ख्याल से तो ये वाला एरिया खत्म हो गया और अगर आपको ये मेरा परसेप्शन है ना भाई आपका एक अलग पर्सनालिटी होगी अगर आपको लगता है कि यार इससे मेरे को याद नहीं आ रहा है इसकी वर्ड से इसका मतलब स्टडी कमजोर है ना पढ़ के आओ अभी याद आएगा तो आप जैसा पढ़ते वैसा एक क्रक्स क्रिएट होता है तो मतलब समरी का मतलब नोट्स बनाने नहीं बोला एक बार भी मैंने नोट्स तो बने हुए हैं स्टडी में बहुत बेहतरीन नोट्स बने हुए हैं और उसी से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आपको क्या बनाना है समरी क्रक्स जिसको देखते ही रिकॉल हो जाए हाँ यार हाँ हाँ याद आ गया नहीं हो याद मार्क करूंगा पूरी समरी पढ़ूंगा जहां जाए रिकॉल हो गया खुश हो जाऊंगा जहां नहीं हुआ फिर खुश हो जाऊंगा यार पहले पता लग गया कौन कौन से एरिया वीक है उसको मार्क कर लूंगा पेंसिल से और फिर उस एरिया को फिर से पढ़ लूंगा फिर से समरी को देखूंगा एक ऐसा समय आएगा कि सिंगल पेज में आपका सैलरी रेट खत्म हो जाएगा एक से डेढ़ पेज में आपका पीजीबीपी खत्म हो जाएगा एक पेज में, हो जाएगा। इतना रखना है। दस पेज में आपका कैपिटल गेन छोटे छोटे कई सारे अकाउंट्स होते थे तो जो बेसिक चीज सीखते थे ना कि इसका फॉर्मेट क्या रहता है इसमें कुछ खास बात क्या रहती है कुछ खास नोट्स लिखना है तो उसके ब्रेक... नोट्स लिख के ब्रैकेट में इस क्वेश्चन से मैंने सीखा क्वेश्चन का रेफरेंस उससे फायदा क्या होता है लिमिटेड क्वेश्चन एग्जाम के दौरान कर लो और बाकी उसको पढ़ लो तो खत्म हो जाता था स्पीड से कैसे निपटाओगे आप जब चीजों को स्पीड से नहीं निपटाओगे तो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा तो समझ रहे स्लो पढ़ने से अच्छी पढ़ाई होती है लेकिन कॉन्फिडेंस फास्ट पढ़ने से आती है चलिए कौन सा हो गया अपना हाँ जी वन फोर डी वट इज वन नाइनटी फोर डी इंश्योरेंस कमीशन थोड़ा सोच के बताना इंश्योरेंस कमीशन कौन किसको दे रहा है यहाँ पर कौन दे रहा है इंश्योरेंस कंपनी दे रही है इंश्योरेंस एजेंट को सही है कि नहीं मोर देन फिफ्टीन थाउजेंड होने पर फाइनेंशियल ईयर में टीडीएस होगा एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम बाय वे ऑफ रेम्यूनरेशन और रिवार्ड फॉर द सोलिसिटिंग और प्रोक्योरिंग द इंश्योरेंस बिजनेस क्या मैं ब्रैकेट में इंश्योरर लिख दूं क्या इसको या इंश्योरेंस कंपनी समझ तो में आ रही बात इट्स अ इंश्योरेंस कंपनी किसको पेमेंट कर रहे हो एजेंट को जो कि कौन होना चाहिए रेसिडेंट रेट है पांच परसेंट थ्री पॉइंट सेवन फाइव पच्चीस के बाद यही आ रहा है कि देख लो तो जरा आ, मतलब ये अब धीरे धीरे हमारे को परसेप्शन बन गया कि इसमें हर चीज का परसेंट डिस्काउंट दिया इन्होंने कौन से पीरियड में चौदह मई से इकतीस मार्च तक ठीक है भाई कब पेमेंट करना है मेरे को कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं महसूस रही है पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर अब धीरे धीरे जाकर मैं ना

हाँ जी भैया वन हंड्रेड फोर्टी एनी सम अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एनी सम अंडर द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या चीज है ये हाँ जी भाई क्या है मैच्योरिटी अमाउंट एनी सम नहीं मैच्योरिटी अमाउंट है कि प्रीमियम है एनी सम अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मोर देन हाँ मैच्योरिटी अमाउंट ही होगी मोर देन इक्वल टू वन लैख एग्रीगेट अमाउंट ऑफ पेमेंट टू पे इन अ फाइनेंशियल ईयर एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम अंडर द एल आई पी एल आई पी ऑन द लाइफ इंश्योरेंस प्री पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम एलोकेटेड बाई योर बोनस तो एक काम करते हैं यहां पर लिखते हैं मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ पॉलिसी तुरंत एक डाउट आना चाहिए कि मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ सेक्शन टेन टेन डी में एक्ज है।, तो है, 10 है तो पढ़े ना मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ सेक्शन टेन टेन डी में एक्ज है तो जब पेई के हैंड में कोई इनकम एक्जेम्ट होती है तो वहां पर डिरेक्टर को टीडीएस का प्रोविजन रहना चाहिए क्या नहीं रहना चाहिए तो उसके लिए है भी नहीं है जो टैक्सेबल है उसी की बात चल रही है लाइक की कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी भी हो सकता है वो तो टैक्सेबल होती है कि नहीं ठीक है तो कितना होना चाहिए मोर देन वन लैख के केस में यहां पर दिया हुआ है एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग नी सम मतलब इंश्योरेंस कंपनी रेसिडेंट तो मैं यहां पर भी लिख देता हूं इंश्योरेंस कंपनी क्या टीडीएस का रेट है भाई सेम फाइव परसेंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट अब जब आप डिटेल पढ़ोगे तो वहां साफ साफ मिलेगा आपको कि जिसमें एग्जामेशन है वहां टीडीएस नहीं करना है 194 ई पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स मैन और स्पोर्ट्स पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इनकम रिफर टू इन सेक्शन वन वन फाइव डबल बी ए वट इज वन वन हमने नहीं पढ़ा है स्पेशल रेट जो रहते हैं तो देर आर सर्टन फाइव टू सेवन स्पेशल रेट ऑफ टैक्स जो कि नॉन रेसिडेंट के ऊपर टैक्सेबल होते हैं वन वन फाइव जैसे स्पेशल इनकम है तो वन जो है वो नॉन रेसिडेंट्स स्पोर्ट्स जो होते हैं ना जब यहाँ पर गेम्स वगैरह खेलने आते हैं तो उनके लिए उनके ऊपर टैक्स लगाने के लिए स्पेशल रेट ऑफ टैक्स बनाया इन्होंने पॉइंट समझ में आया क्या उनके ऊपर टैक्स लगाने के लिए स्पेशल रेट बनाया इन्होंने और दैट स्पेशल रेट इज ए ट्वेंटी परसेंट तो बस उतने ही परसेंट से टीडीएस काटना है बल्कि एजुकेशन से वगैरह जोड़कर काटना है ठीक है कौन पेमेंट कर रहा है यहाँ पर थ्रेसो लिमिट दिख रही है क्या कुछ लॉजिक लगाओ क्यों नहीं दिख रही है क्योंकि वन वन फाइव डबल बी ए उनके ऊपर सीधा टैक्स लगाता है फ्लैट रेट से ट्वेंटी परसेंट से तो यहां पर तो उसके ऊपर टैक्स वैसे लगना ही लगना है तो वहां पर कोई भी लिमिट नहीं पेयर कौन है यहां पर एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट अब रायपुर में मैच हो रहा है तो यहां पर यहाँ रायपुर जो भी जो ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजर है जो उसका वो पेमेंट करेगा नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स मैन है टैक्स करे ट्वेंटी पॉइंट एट कहाँ से आ गया समझ में आ रहा है चार परसेंट वो भी जोड़ दिया क्योंकि अल्टीमेटली वो तो पैसा लेके चला जाएगा ना आपका कंट्रोल ही खत्म हो जाएगा इसलिए ये सेक्शन में ट्वेंटी परसेंट प्लस फोर परसेंट इवन अगर सरचार्ज भी एप्लीकेबल हो गया तो वो भी जोड़ देंगे हाँ जी कब टीडीएस करना है पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर वन डबल ई पेमेंट और डिपॉजिट अंडर द नेशनल सेविंग स्कीम एनएससी एन एस बोलना चाहिए पेमेंट ऑफ डिपॉजिट अंडर एन एस एस more than 2500 in a financial year more than equal to any person responsible for paying individual hcf ko payment hona chahiye yahan par 10% tds ka rate hai half period mein rahega to 7.5% kab hoga tds at the time of payment to ye contribution कंट्रीब्यूशन की बात चल रही कि maturity की बात चल रही है क्या लगता है पढ़कर maturity amount? है है किसको मिलती जो जो का एजेंट होता है या seller होता है, agent होता है उसको मिलती है. तो अगर साल भर में पंद्रह हजार से ऊपर गया तो जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है पेइंग का वो टी डी एस काटेगा किसका काटेगा एनी पर्सन स्टॉकिंग डिस्ट्रीब्यूटर परचेजिंग सेलिंग लॉटरी टिकट का जो डिस्ट्रीब्यूटर उसका टीडीएस काटेगा 5% इडिसेस होगा खास हुआ तो खास पीरियड में हुआ तो 14 मई से 2020 से लेकर हुआ तो 3.75% और व्हिच एवर इज अर्लियर कांसेप्ट है 194H अब देखिए कमीशन का तीसरा सेक्शन पढ़ रहे हो आप लेकिन ये जनरल है एक आपने कमीशन पढ़ा इंश्योरेंस कमीशन 194D और एक पढ़ा कमीशन ऑन लॉटरी टिकट 194G और ये 194H पढ़ रहे हो कि उन दोनों में जब स्पेसिफिक नहीं आएगा तो ये जनरल है कमीशन और ब्रोकरेज कमीशन देते हो ना बिजनेस में किसी को आपने कमीशन दिया जहां जाएगा वो स्पेसिफिक है ये है जनरल हजार से ऊपर अगर हुआ तो टीडीएस कटेगा पर्सन रिस्पॉन्सिबल अदर देन इंडिविजुअल एच एफ कोई कॉन्सेप्ट आप पढ़ने की जरूरत नहीं है सही है कि नहीं इसका टीडीएस काटना है इसमें एनी रेसिडेंट फाइव परसेंट पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर सेम वर्डिंग है रेंट किराएदार टीडीएस काटेगा कि मकान मालिक टीडीएस काटेगा क्वेश्चन तो है मेरा किराएदार मकान मालिक कौन टीडीएस काटेगा किराएदार टीडीएस काटेगा सही है हाँ वही तो पैसा देना है ना उसको आपने अपनी एक बिल्डिंग बैंक को किराए पर दे दी तो बैंक जब आपको रेंट देगी तो नाइनटी फोर आई के अंतर्गत टीडीएस डी करेगी अगर साल का दो लाख चालीस हजार रुपए से ज्यादा है तो हाँ? हुँ. हुँ. नहीं पहले प्रोविजन चेंज रहते हैं ना कई जगह जैसे इंडिविजुअल एच को कहीं से हटाया है प्रोविजन में फर्क है ना अब आप जब और डिटेल में जाओगे तो फर्क दिखेगा आपको कई सारे अलग चीजों में फर्क है एनी पर्सन क्वांटिटीज काटेगा एनी पर्सन लेकिन अदर देन इंडिविजुअल एच एफ कौन अलग कॉन्सेप्ट है अब देखिए जैसे ही आपने ये कॉन्सेप्ट सीखा तो बार बार डिटेल पढ़ने की जरूरत खत्म हो गई एनी रेसिडेंट ठीक है भाई अब टी का रेट क्या है अगर प्लांट एंड मशीनरी किराए पर दिया है तो दो परसेंट या वन पॉइंट फाइव परसेंट और अगर लैंड बिल्डिंग और ये सब किराए पर दिया रियल एस्टेट तो टेन परसेंट और साढ़े सात परसेंट देखो बाकी समझ में आया इज अर्लियर को मार्क कर लू क्या मतलब क्या लिखा है पेमेंट और क्रेडिट विचवरिज अर्यर वन नाइनटी फोर आई वन नाइनटी फोर आई ए पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी खरीदी बिक्री हो रही है सेलर टीडीएस काटेगा बायर काटेगा बायर उसी को पैसा देना है सही बात है पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड एग्रीकल्चर लैंड को अगर आप खरीदते हो तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आप अदर प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपको टीडीएस काटना है कब जब पचास लाख से ज्यादा की वैल्यू की प्रॉपर्टी हुई तब मोर देन इक्वल टू 50 लैख so पचास लाख या उससे ज्यादा कंसिडेशन फॉर ट्रांसफर इसमें हाँ सब आ जाएगा एग्रीकल्चर लैंड बस नहीं होगा प्रोविजन सेम है एनी पर्सन अदर देन अ पर्सन रिफर टू इन सेक्शन 194 नाइनटी फोर एल ए फॉर पेइंग कंपनसेशन फॉर कंपल्सरी एक्विशन ऑफ इमोल प्रॉपर्टी अदर देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड कौन से सेक्शन को छोड़कर 194 एल ए वन कब आता है कंपलसरी एक्वाजिशन के केस में आता है तो उसका सेक्शन ही अलग है कंपलसरी एक्वाजिशन में पेमेंट कौन करता है गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट जब पेमेंट करेगी तो 194 नाइनटी के अंतर्गत टी डी काटती है तो वो केस को छोड़कर सही है ना उसके बाद इनमल प्रॉपर्टी अदर देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड लेकिन रूरल एग्रीकल्चर लैंड को जब गवर्नमेंट पेमेंट करती है तो उस समय गवर्नमेंट टी नहीं काटती फोर एल समझा रहा हूँ रूरल एग्रीकल्चर लैंड को जब गवर्नमेंट कंपलसरी रिकॉर्ड करती है तो टीडीएस नहीं काटती क्यों नहीं काटती भैया क्योंकि वो तो एग्जमट है इसके हैंड में ओनर के हैंड में उसको छोड़कर तो 194 ये नाइनटी फोर समझा ए ये बताना चाह रहे में तो वहां ना भाई यहां क्यों आयो नेक्स्ट है रेसिडेंट ट्रांसफर सही है क्या किसका टीडीज काट रहे हो ट्रांसफर जो बेच रहा है सेलर उसके ऊपर टी डीज काट रहे हो किस रेट से वन परसेंट और पेमेंट और क्रेडिट रिचवर इज अर्लियर ना तो नेक्स्ट सेक्शन इज वन नाइन्टी फोर बी वन बी वन नाइन्टी फोर वन बी पेमेंट ऑफ रेंट बाई सर्टेन इंडिविजुअल एच एफ याद कीजिए वन नाइनटी फोर आई को देखो जरा क्या है पेमेंट ऑफ रेंट बाई सर्टेन इंडिविजुअल और एच रेंट वाला प्रोविजन क्या है नहीं 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 वो चीज नहीं है ये पेमेंट ऑफ रेंट बाई पेमेंट कौन कर रहा है वहां पर पेयर के लिए था इंडिविजुअल एच को छोड़कर डिडक्टर या डिडक्टी की बात चल रही है तो 194 आई में कब आते हैं जब साल भर में आपका रेंट ढाई दो लाख चालीस हजार से ज्यादा होता है लेकिन अगर दो चालीस से कम है तो भी यहां फंस सकते हो आप कब पार्ट ऑफ द मंथ पचास हजार से ज्यादा है पर मंथ दिया ध्यान रखना मतलब आपने दो महीने के लिए भी किसी से रेंट पर लिया दो महीने के लिए रेंट पर लिया साठ साठ हजार रुपए तो दो महीने का टोटल कितना दोगे एक लाख बीस हजार साल भर में दो चालीस से ज्यादा हुआ क्या नहीं हुआ ना

वहां पर ऑडिटेड इंडिविजुअल एचयूएफ लेते थे यहां पर अनऑडिटेड इंडिविजुअल एचयूएफ को लिया गया तो अनऑडिटेड इंडिविजुअल एचयूएफ अनऑडिटेड इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 194 आईबी बनाया इन्होंने कि भैया अगर आप पेमेंट कर रहे हो किराए से लिए हो और 50000 रुपए पर मंथ से ऊपर हो गया तो आपको टीडीएस काटना है नहीं सर आप ध्यान से देखो 194 आईई आई में अगर कोई

ये लिखा हुआ है भैया यहां पर और वहां पर क्या है ऑडिटेड क्यों बनाया समझ में आ रहा है जो अनऑडिटेड इंडिविजुअल इंडिवल एच एफ वन नाइन आई से छूट जाते थे लेकिन किराया अच्छा भर भर के देते थे महीने का पचास से ज्यादा तो उनको पकड़ा गया साल का भले नहीं हो रहा है क्योंकि अनऑडिटेड तो साल भर में भी दो चालीस से भी ऊपर हो जाएगा तो भी टी डी एस नहीं काटेंगे तो यहां पर आ गया लेकिन यहाँ कंडीशन पूरी होनी चाहिए इसको पेमेंट कर रहे हैं रेसिडेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच अवर इज अर्यर इफ द प्रॉपर्टी इज वैकेटेड मिला क्या दर एस दस मे बी टू देमेंट विच अवर इज अर्यर को डिटेल में और देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा लेकिन फिलहाल मैंने जो लिखा है समझ में आ रहा है यू शुड रीड विथ वन नाइन फोर आई इसको पढ़ना चाहिए रीड विथ 194I, तभी आपका विजन बनेगा रीड विथ वन नाइन आई कंपेयर आई समझ में आ रही बात चाहे देखो नाइन आईसी पेमेंट अंडर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट मार्क कीजिए स्पेसिफाइड एग्रीमेंट अंडर सेक्शन फोर्टी फाइव फाइव कैपिटल गेन में पड़े थे तो जो वहां पर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट जो था लैंड और बिल्डिंग का ओनर जो की डेलेपर ऑफ प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता था तो उसका कैपिटल गेन हम चार्ज ही करते थे जब प्रॉपर्टी एक्चुअली में वो प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता था तो उस एग्रीमेंट में कौन पैसा दे रहा है उसी पे टीडीएस लाइबिलिटी डाला होगा इसने पेयर कौन है डेलेपर उसको कॉन्ट्रेक्टर नहीं बोलते अपन बड़ा आदमी वो बिल्डर है डेलेपर ऑफ द प्रोजेक्ट है ना जो भी उसको बोलते थे वो टीडीएस काटेगा का पैसा देते समय अब एक प्रॉब्लम थी वहां पर वहां पर पैसा देता था वहां तो टीडीएस काट हो गया एक करोड़ रुपए दिया लेकिन साथ में प्रोजेक्ट का शेयर देता था तो शेयर पे टीडीएस कैसे काटेगा तो उसकी भी वैल्यूएशन करके टीडीएस निकालना पड़ेगा और कैश पेमेंट से टीडीएस काटेगा समझ रहे ना विनिंग पे टीडीएस काटते हैं ना अब मेरे को अगर कार विनिंग पे मिली तो चक्के खोल के रख लेंगे कैसे काटोगे वैल्यू निकलेगा और कैश कलेक्ट किया जाएगा जमा होगा हाँ देंगे नो थ्रेस होल्ड स्पेसिफाइड कोई थ्रेस होल्ड नहीं है कौन है भाई एनी एनी पर्सन फॉर पेइंग सम वे ऑफ कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन नॉट इन द काइंड अंडर अ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट विद इन वेयर इन लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ आर हैंडेड ओवर सही है कि नहीं लैंड एंड बिल्डिंग बोथ आर हैंडेड ओवर आई द ओनर ऑफ द ओनर कौन दे रहा है ओनर किसके लिए फॉर डेवलपमेंट ऑफ रियल प्रोजेक्ट फॉर शेयर इन लैंड और बिल्डिंग और बोथ इन सच प्रोजेक्ट विदेमेंट और पार्ट ऑफ देशन इन कैश कैश का मतलब एक्सैक्टली कैश नहीं चेक दी तो कंसिडेशन पे तो टी डी एस होगा ना भाई ये कौन है यहाँ पर एनी रेसिडेंट टी डी एस का रेट क्या है टेन परसेंट या साढ़े सात परसेंट एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर और डिटेल में देखेंगे तो और क्लियरिटी आएगी इसमें बट यू शुड रीड विथ इसके साथ पढ़ना चाहिए सेक्शन को हाँ जी भाई फोर्टी फाइव फाइव है वन नाइन्टी फोर जी कल देखते हैं बाकी ठीक है खुश हो गया एकदम तो क्या क्या बच गया वन जे प्रोफेशनल पेमेंट और क्या बच गया वन नाइन्टी के एल ए वही कंपल्सरी एक्वाजिशन वाला जो हम वहाँ छोड़े थे करेक्ट आ रहा है वन एम अच्छा वन एम अपन वहाँ कटवा दिया था क्या मैं आपसे हाँ ए टी एम था ना हाँ 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 ठीक है वन नाइनटी एम वाला कोर्स में वन नाइन्टी एम वन एन कैश विड्रॉल सब इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना इस साल के लिए ये वन एंटी फोर ए ओ कायली भाई ई कॉमर्स ऑपरेटर ईसीओ जीएसटी में पढ़ते हो ना कोई ईसीओ है और फिर कुछ नोट्स हाँ 190 कोर्स में नहीं है अपन अलग से ऐसा मतलब मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि आपको लगेगा नॉन रेसिडेंट टी डी एस ही नहीं होगा होता है तो 195 आप पढ़ सकते हैं ऐप में देख लेना आप मिल जाएगा वो छोटा सा सेक्शन है एक ही सेक्शन है कुछ भी पेमेंट करोगे वहां जाएगा

फिर जैसे जैसे आप एक्सटेंड तक घुसते जाओगे उतना आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा हम क्या करते हैं उसको डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं फिर हमको लगता है तो हो ही नहीं रहा है और हो ही नहीं रहा है फिर पूरा छोड़ देते हैं तो या तो पूरा ही मैं पकड़ूंगा ये लाइफ में या पूरा ही छोड़ दूंगा ये अच्छी सिचुएशन नहीं है ना अच्छी मेंटेलिटी है जिसको जो भी चीज मेरे को बहुत अच्छी आएगी इसको मैं पूरा पकड़ूंगा जो चीज मेरे को बिल्कुल ही टफ लगेगी उसमें सेलेक्टेड पकड़ लूंगा मिल क्यों छोड़ूंगा मैं कोई चीज को समझ रहे हैं तो इस चैप्टर को ये ध्यान रखना बेसिक लिमिट के बाद फिर आपकी जितनी इच्छा श्रद्धा टाइम जितना है उतना आप एंटर करते जाओ एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बन जाएगा आपसे ठीक है ना तो ये टे, टे, टेबल में कल आके पूछूंगा पहले आपसे फिर आगे बढ़ेंगे और फिर हम एडवांस टैक्स टी सी एस एडवांस टेक्स टी सी एस छोटे छोटे प्रोविज़न है कल देखते हैं